हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द कॉपियर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्योचेरा मशीन के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है 1800, जिसमें कि डिस्प्ले में एरर शो कर रहा है सर्विस कॉल C6030। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जल्दी से वीडियो पे कमेंट करके बताइए किस टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार डोर को ओपन करेंगे, और ये जो फ्यूज़र यूनिट है, ये जो SC कोड जो दिखा रहा है मशीन में सर्विस कॉल, वो फ्यूज़र यूनिट से रिलेटेड है। तो एक बार यहाँ हमें चेक कर लेंगे कि फ्यूज़र यूनिट में कुछ पेपर वगैरह फंस जाने की वजह से फ्यूजिंग यूनिट फेलियर हो जाता है। इसका एक बार कम्युनिकेशन वगैरह एक बार दोबारा से थर्मिस्टर वगैरह का केबल, या फिर थर्मोस्टेट का, या फिर लैंप वगैरह का इशू रहने से भी, या केबल प्रॉपर कनेक्ट न रहने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो एक बार चलिए इसको केबल निकाल के एक बार दोबारा से केबल लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने केबल को निकाल दिया है, यहाँ हमें लैंप को भी केबल को निकाल दिया है, येलो केबल को, और यहाँ पे हम एक बार दोबारा से रीकनेक्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर कनेक्ट न रहने की वजह से या फिर मॉइस्चर वगैरह आ जाने की वजह से जॉइंट में वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, तो इस वजह से SC कोड जनरेट कर देता है, सर्विस कॉल दिखाने लगता है। तो यहाँ पे चलिए हमने केबल को लगा दिया है, और यहाँ में डिस्प्ले में एक बार देखते हैं इससे मशीन को ऑन करके। तो यहाँ पे मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, अभी देखते क्या आता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो एक बार फ्यूज़र यूनिट को ओपन करके चेक करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ में जो एरर था वो चला गया है। यहाँ में एक बार हम कॉपी को प्रेस करेंगे, कॉपी बटन को, देखिए नॉर्मल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।